चैनल, इट्स मी नरमीना सेफ। और आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी, फुल मेथड और तरकीब बताऊंगी। लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड, मैं किचन में हूँ, गैस बिल्कुल कम आ रही थी। यहाँ पर मैंने जो है चिकन लिया है और उसको मैंने ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया। ढक्कन इसलिए ऊपर रखा है, ताकि जो है ना उसकी भाप से थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए और थोड़ा सा गल भी। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली लेकर रखी है, काट कर रख ली है। एंड दूसरी साइड पे ये दो टमाटर और एक दरमियाना प्याज मैंने काट के रखा हुआ है। ये रेडी करके रखी हुई हैं चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती जाऊँगी कि इसमें मैं क्या क्या डालूँगी। फिल वक्त चिकन फ्राई हो उसके बाद बाकी का प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो फ्रेंड, रेस्टोरेंट वाले भी ऐसे ही करते हैं कि फ्राई होते होते ऊपर जो है ना कढ़ाई के ढक्कन रख देते हैं ताकि फ्राई भी हो जाए और थोड़ी सी गल भी जाए। सो मैं भी उसी मेथड से बना रही हूँ। और ये देखिए यखनी भी निकल गया, ये यखनी में ही हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और ये टेस्टी मज़ेदार बनेगी। अच्छा, फ्लेम जो है हमने कम ही रखनी है क्योंकि गोश्त जो है ना कम फ्लेम में अच्छे से गलता है और अच्छे से फ्राई होता है। तेज़ फ्लेम में गोश्त कच्चा भी जा जाता है, सख्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली गैस बहुत कम है। ये तो फ्रेंड हमारा चिकन हो गया, अब इसको निकाल देंगे। देखिए बहुत अच्छा सा जूसी जूसी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने निकाल दिए। अब जो प्याज है ना, इस प्याज को हम ऑयल में डालेंगे। प्याज हमने ऐड कर दी है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे ताकि प्याज में जो फ़र्क रह गया वो लहसुन अदरक दोनों फ्राई हो गए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसमें अब टमाटर डाल दिया है। अब इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर गल जाए। अब इसके अंदर सारे स्पाइस डाल देंगे और आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे स्पाइस डालने हैं, जो भी डालने हैं इसमें। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, इसके बाद डालेंगे दड़ा। चिकन में भी नमक डला हुआ था इसलिए कम डालेंगे। के बाद लाल मिर्चे डालेंगे, सेम कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी जाएगी। और फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी और लास्ट में धनिया। अब अच्छे से इसको हिला के मिक्स करेंगे और जब ये सही से सेट होगा तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अब जनाब थोड़ा सा हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे मसाले में, ताकि ये अच्छे से जो है ना मसाले के साथ ही हो जाए। तो इसको हम डालते हैं थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले जो है पक जाए। और अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो फ्रेंड चिकन ऐड कर दिया है और चिकन के साथ जो यखनी थी वो भी ऐड हो गया है। आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे और पानी डालेंगे ताकि ये गल जाए, फिर आपको भी पक गया। तेज पे जब थोड़ा थोड़ा पानी है ना, तो फ्रेंड्स अब हमने जो है ना ग्रीन चिली ऐड कर देनी है ताकि ये ज़्यादा ना गले, थोड़ी गले और टेस्ट भी इसका आ जाए। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब इस स्टेज पे जनाब हम ना भुना हुआ ज़ीरा जो है ना इस पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये ज़ीरा हम टेस्ट के लिए ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन की है, यहाँ पे जनाब हम कोयला रखेंगे। अच्छा, क्योंकि कढ़ाई में ऑयल है और काफ़ी है, अभी हमने देखना है कि ये गली है या नहीं। तो जनाब हमारी चिकन गल चुकी है बहुत अच्छे से, तो इसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा है तो हमने यहाँ से थोड़ा सा ऑयल निकाल के यहाँ रख देना। और जनाब हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर लेनी है और यहाँ पे हमने कोयले को गर्म करना है। तो गाइस ये हमारा कोयला जो है गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स कोयला हो गया, यहाँ पे आँच हम बंद कर देंगे और इस जलते हुए कोयले को
हम उठाएंगे ताकि कोयले बारबेक्यू वाला टेस्ट है उठा के, और जो हमने ऑयल रखा था उसमें रख देंगे और ये देखो वाह, और इसको ऊपर से कवर्ड कर देंगे ताकि सारे कोयले की खुशबू जो है कढ़ाई में चली जाए। जैसे यहाँ से धुआं उठ रहा है ना, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। और अब हमने आँच बंद कर देनी है जी। तो फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई रेडी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फी मानिल्ला।